सिविल हस्पताल गिदड़बाहा विखे एस एम ओ डॉक्टर रमेश कुमारी कंबोज की अगवाई हेठ डॉक्टर विनय बंसल वालों डेंगू ते मलेरिया की रोकथाम बारे जागरूकता कैंप लगाया गया। इस मौके डॉक्टर विनय बंसल ने कहा कि डेंगू की रोकथाम लई सानू अपने आले दुआले पानी नहीं खड़न देना चाहिए क्योंकि साफ खड़े पानी तो यह मच्छर पैदा होंदा है ते मच्छर कट्टन नाल ही डेंगू ते मलेरिया होंदा है। उन्हां कहा कि डेंगू ते मलेरिया की रोकथाम लई सानू अपने कूलरां अते फ्रिजां दा पानी रोजाना बदलना चाहिए है अते जेकर तुहाडे घर दे नेड़े कोई छप्पड़ वगैरह है तो उस विच भी तेल का छिड़का करना जरूरी है ता जो मच्छर का सफाया किया जा सके। उन्हां कहा कि मच्छर तो बचण लई सानू क्रीमा अते मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए है। डेंगू ते मलेरिया के लक्षणों बारे जानकारी दिंदिया उन्हां कहा कि ज़्यादा तेज़ बुखार होना वार वार बुखार होना अते बुखार उतरन तो बाद थकावट का होना उल्टियां लगना सिर दर्द होना इस दे मुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी हस्पतालों में डेंगू ते मलेरिया का मुफ्त इलाज होता है। गिदड़बाहा तो सोनी डल्ला की रिपोर्ट जगत सेवक वेब टीवी। अज जी असी सिविल हस्पताल गिदड़बाहा विखे जिहड़ा हैगा डेंगू की अवेयरनैस लई पेशेंट्स नूं इकट्ठे करके सारी अवेयरनैस दिती हैगी है। डेंगू ते मलेरिया जिहड़े हैगे मच्छर दे कट्टन करके हुंदे है इस करके असी लोकां नूं दस्सिया हैगा कि किते वी पानी इकट्ठा ना किया जाए जिहड़ा वी आले दुआले कूलरां दे विच फ्रिजां दे विच या टोबियां दे विच पानी इकट्ठा होया हुंदा है तां उहनां नूं चाहीदा है कि ओवले पानी नूं इकट्ठा ना होण देण ते जेकर पानी टोबियां दे विचों नहीं किया जाता तां उहदे उत्ते तेल थोड़ा जिहा छिड़किया जा सकदा हैगा। इस तों इलावा मोस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स आंदियां हैगियां ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲੇਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। Audio Jungle.